नमस्कार, मैं वसीम अहमद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। शुरुआत करेंगे बुलंदशहर की एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में दबंगों का आतंक। लगभग 60-70 मकानों पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं दबंगाई। मामला कुछ इस तरह है कि थाना खुर्जा देहात के लगभग दर्जनों लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। उन लोगों का आरोप है कि गांव के ही दबंग व्यक्ति उनके मकानों को जबरन खाली कराना चाहते हैं और उन्हें बेघर करना चाहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अब से 30 साल पहले कुछ दामों में, यानी 50 रुपये प्रति गज के हिसाब से उन्होंने जमीन ली और धीरे धीरे किश्तवार करके पूरा पैसा जमा कर दिया। जिस स्वामी से उन्होंने जमीन खरीदी और मकान बना लिया, उस स्वामी को पूरी रकम दे दी। अचानक स्वामी की मौत हो जाती है और उसकी पत्नी दूसरा शादी करके दूसरा विवाह रचा लेती है और अपने उस दूसरे पति के साथ मिलकर और गुंडों को लेकर उस जो गरीब मलिन बस्ती है, जो 60-70 मकान है, उन्हें वहां से हटाना चाहती है और उस जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहती है। इस तरह का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। थाना खुर्जा देहात के गांव इस्लामाबाद के ये लोग हैं जिन्होंने काफी मशक्कत के साथ में, मेहनत के साथ में मकान बनाया और उसमें रह रहे हैं। लोगों का आरोप यह भी है कि कोई रिक्शा चलाता है, कोई साइकिल का काम करता है, कोई मजदूरी करता है। वक्त इतना भी खराब है इन लोगों का कि एक वक्त की रोटी ये लोग खाते हैं और दूसरे वक्त की पता नहीं कि ये लोग भूखे सोएं या खाना खाएं। इस तरह के लोगों को यहां से खदेड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भूमाफियों पे कड़ी कार्रवाई कर रही है। मगर अब ये जांच का विषय है। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह को इन्होंने ज्ञापन दिया। अब देखते हैं क्या इन गरीबों को न्याय मिलेगा या नहीं। तुम्हारा? मेरा नाम रशीद है। कहाँ रहते हो? समीप कॉलोनी इस्लामाबाद। क्या है मामला जो आज एसएसपी ऑफिस में आए तुम सारे लोग? हम इस बार आए, ये क्या नाम है, वो लोग हमें परेशान कर रहे हैं। हमने अब से 30 साल पहले हमने जगह खरीदी, सुनिए, तो ये क्या नाम है, उन्होंने क्या किया था, ये क्या नाम है, हम जो है गरीबों को दे रहे हैं प्लॉट, मालदारों को नहीं बसेंगे। सुनिए जी, उसके मौजूद हमें दी, हमने कही भाई साहब इसमें कोई लिखत दो, वो बोले लिखत तो जो हमें देनी है तो जब देंगे, ये क्या नाम है, जब बस्ती पूरी बच जाएगी, बस्ती बच चुकी। तो तुम्हें जमीन फ्री में दे दी है? पैसे नहीं, पैसे दिए। कितने के लिए दी तुमने? हमने ली थी 50 रुपये का, ठीक उस टाइम पे, आज से 30-32 साल पहले, सुनी लगते थे बहुत। अब ये का नाम है उसके मौजूद, ये का नाम है, वो गए थे मर मुख्तियार की घरवाली ने कर लिए दूसरे, सुनी वो लोग हमें सता रहे हैं, ये का नाम है, हम मजदूर आदमी है, रिक्शा चलाने वाले हैं, ये का नाम है। कितने घर होंगे उस बस्ती में? 100-125 घर है, सबको जोड़ा जा रहा है। हाँ जी, इसकी शिकायत तुमने इससे पहले भी कभी करी है? आज पहली बार आए? पहली बार आए, अब देखते बहुत परेशानी कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं वहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या 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 मामला बताइए, कौन लोग हैं वो जिनसे जमीन ली हुए वहाँ पर और फायरिंग करा, दोनों हाथों से कट्टे ले लेके क्या क्या कहते हैं तुमसे? चलवा देंगे ऐसे दोबारा नहीं सिरे से मांग रहे हैं। ना कोई घर बनाएगा, ना कोई शादी करेगा, पहले बैनामा करो, जब तक हम कुछ नहीं हम देंगे। तो बैनामा कराने के लिए वो लोग पैसे मांगते हैं? कितने पैसे मांगते हैं? 2000 रुपए, कभी 1500 के में, कभी 2000 के में, कभी 2500 के में, कभी 2200 के में, कभी किसी से कुछ कह दे, कभी कुछ कह दे। क्या तुम्हारे घर वाले क्या काम करते हैं? साइकिल का काम करा है, साइकिल टूटी फूटी संभाले हैं। कहते थे क्या काम करते हो तुम? जी मैं साइकिल का काम करता हूँ। बड़े में क्या काम करते हो? भाई मेहनत मजदूर करते हैं, बेलदारी करते हैं, ईंट का काम करते हैं। क्या करते हो भैया? मजदूरी करें, मजदूरी करें, सब मजदूर हैं सब। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा भी मजदूर प्लॉट मकान है क्या? क्या करते हो? हम मजदूरी करें। और तुम? अब नीचे बैठ के इनकी बना ले। तुम्हारा? नुकसान है। आज एसएसपी ऑफिस आई हो, क्या पूरा मामला? इन्हें को देखो,
यही मामला है, हमारे घर पर आते हैं वे हर तक डराते हैं, कहते हैं घर खाली करो नहीं तो मैं पैसे दो, और हम तुम्हें पैसे कब कैसे दे, मेरे तुम्हें पैसे नहीं है हमारे पास, हमने जो पैसे दिए थे वो खत्म हो गए। अब तुम्हारी क्या मांगे हैं? अभी मांगे क्या है, चैन से रहने लगे, परेशान ना करें, परेशान ना करें हमें, परेशान नहीं करें। कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है उनके? उनके नाम के मालूम नहीं है, सब इसमें लिख रहे हैं नाम। मुल्ला नवाब, कुछ पता क्या क्या नाम है, नाम बताइए। मुल्ला नवाब है, और नौशाद है, और दो एक नाम और हैं जो आमे संग याद नहीं है, नहीं मालूम, पता ना किस किसे बुला के लाते हैं। कहां के वो लोग, कहां के रहने वाले हैं? फुर्जे के, फुर्जे के, फुर्जे के आते हैं।